अगर आप पुराने गाने के शौकीन हैं, तो आपने ये जरूर सुना होगा कि मिलके भी हम मिल न सके तो फिर क्या मिला इस प्यार में। दरअसल हम यहाँ दोस्त समुद्रों की बात कर रहे हैं जो मिलकर भी नहीं मिलते हैं। कहते हैं कि इसका जिक्र शिव पुराण में है, तो कोई कहता है इसका जिक्र कुरान में है, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि आखिर इसका सही रीजन क्या है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ngschool.in में। दुनिया के कई रहस्यों में शामिल है अलास्का की खाड़ी। इस खाड़ी में जब दो समुद्र का पानी टकराता है तो दुनिया के होश उड़ जाते हैं। जहां एक तरफ गहरा नीला पानी है तो वहीं दूसरी तरफ मटमैला नीला पानी। कहते हैं कि इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आया करते हैं। इस नजारे को देखकर हर कोई सोच में पड़ जाता है कि इस दोनों समुद्र का पानी आखिर आपस में मिलता क्यों नहीं, आखिर इसका रहस्य क्या है। इस पानी को देखकर तो यही लगता है कि दोनों के बीच जैसे मानो लक्ष्मण रेखा खींच दी गई हो, जिसे लांघने की दोनों में से कोई भी समुद्र कोशिश नहीं करता। दुनिया भर के कई लोग इसे चमत्कार मानते हैं, वहीं कुछ लोग इसे धार्मिक मान्यता से भी जोड़ते हैं। मुस्लिम मान्यता के अनुसार ये अल्लाह का चमत्कार है जिसका जिक्र पवित्र कुरान में है। वहीं हिंदू मान्यता के अनुसार इसका जिक्र शिव महापुराण में किया गया है, यानी प्रकृति के इस नजारे को धर्म से भी जोड़ा गया है। धरती के तकरीबन 30% हिस्से पर जमीन है और लगभग 70% हिस्से पर पानी है। लेकिन कुदरत का करिश्मा तो देखिए कि धरती का दो महासागर आपस में मिलते तो जरूर हैं, लेकिन दोनों का पानी अलग अलग साफ नजर आता है। दरअसल अलास्का की खाड़ी में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों आकर मिलते हैं। इन दोनों समुद्र की सबसे निराली बात तो ये है कि ये दोनों कभी भी एक दूसरे की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश नहीं करते, जिसका अंदाजा आप इसके पानी के अलग अलग रंगों को देखकर लगा सकते हो। कहते हैं कि दूर आसमान से देखने पर ये नजारा काफी शानदार लगता है। दरअसल ये एक ग्लेशियर से आने वाला मटमैला हल्का नीला पानी है, तो वही दूसरा गहरा नीला पानी। इन दोनों की मिलन की दीवार भी साफ साफ नजर आती है। दरअसल दोनों समुद्र के पानी को अलग होने का एक खास वजह है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पानी के घनत्व और तापमान समेत कई बड़े कारणों से जुड़ा हुआ है। तमाम रिसर्च के बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर आए हैं कि इस जगह पर मीठे और खारे दोनों पानी का अलग अलग घनत्व, लवण और तापमान के वजह से ये दोनों पानी अलग अलग होते हैं और ये दोनों पानी एक साथ मिल नहीं पाते। प्रशांत महासागर का पानी ग्लेशियर से आने की वजह से हल्का नीला और नमकीन होता है, जबकि हिंद महासागर का पानी काफी खारा होता है। इन दोनों महासागरों का पानी अलग अलग घनत्व के वजह से आपस में कभी भी नहीं मिल पाते, और ये पानी जब आपस में टकराते हैं तो झाग पैदा होती है। ये झाग पानी के ऊपरी सतह पर एक सीमा रेखा के तरह नजर आती है। सूर्य की किरणों में ये दोनों पानी अलग अलग घनत्व के कारण दोनों पानी का रंग अलग अलग बिल्कुल साफ साफ नजर आ जाता है। कहते हैं कि हल्के घनत्व वाला पानी ऊपर तैरता है और खारा पानी नीचे चला जाता है, यानी मटमैला पानी नीले पानी के ऊपर तैरता रहता है, लेकिन इसका अंदाजा हर कोई लगा नहीं पाता। खैर जो भी हो, ये नजारा वाकई काफी शानदार है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये प्रकृति की अद्भुत नजारा कैसी लगी, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।